आगरा के एतमादपुर में प्रशासन द्वारा सपा नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इसकी खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने दी, देखिएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम सभी समाजवादी साथी शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसान आंदोलन के तहत आज जो भारत बंद बुलाया गया है उसके समर्थन में हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो पूर्व आयुक्त हमारा था पहले से। लेकिन अब प्रशासन इतना लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार का आदेश के ऐसे पालन कर रहा है कि हमें धरना स्थल से जबरदस्ती उठा लिया गया, गिरफ्तारी की गई और थाने में नज़रबंद कर दिया गया है। सारे समाजवादी साथी साथ हैं, सभी बैठे हुए हैं। कब तक नज़रबंद है अभी तक कोई हमें कुछ ऐसी बात नहीं बताई। विजय कुमार शर्मा, गांधी कानपुर देहात का रहने वाला हूं सर। कौन सी गाड़ी का ड्राइवर है? ये 14 चक्का गाड़ी है, उसका ड्राइवर हूं मैं। कहां से कहां जाना है आपको? कानपुर से करनाल जाना था हमको। किस जगह पर और कब से रुक दिया गया है? ये मैं 11 बजे रात से रुका हूँ आगरा में। किस जगह जाना था आपको वैसे? करनाल जाना था सर। अच्छा, परेशानी क्या आ रही है आपको यहाँ दिख रहा है? परेशानी क्या सर, ना खाने को है, ना पीने को है, ना पानी है। आपके जैसे और भी वाहन यहाँ? देखिए सर, कितना तो लाइन लगा हुआ है, पूरा तो जाम पड़ा हुआ है सर। जाम पड़ा हुआ जी। दिक्कतें आ रही हैं आपको? जी, दिक्कत बहुत आ रही है। खाने पीने की दिक्कत आ रही है, फिर इतना जाम लगा हुआ है, कैसे निकल पाएंगे? अभी तो कोई किसी बात हुई है किसी से? जाम खुल जाएगा कोई बात हुई किसी से? अभी नहीं सर, मैं न्यूज देख रहा था, 3 बजे बोला है, लेकिन वो पता नहीं 12-1 बजे तक खोला। यहाँ किसी अधिकारी ना किया किसी से? कुछ भी नहीं, कोई सुनाई नहीं है सर। आज 8 दिसंबर को किसान बिल के विरोध में किसानों को समर्थन देने के लिए तमाम संगठनों ने उनको समर्थन देने के लिए आंदोलन का ऐलान किया था। इसके बाद सुबह से ही प्रशासन अलर्ट पर था, जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई थी और जिन किसान नेताओं से शांति भंग होने का या फिर जिन संगठनों के नेताओं से शांति भंग होने का आशंका थी उन सबको कब्जे में ले लिया गया था। आगरा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं एतमादपुर में भी तमाम संगठनों और पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया और जगह जगह पर प्रदर्शन हालांकि हुए। बात यह की जा रही थी कि आज भारत बंद रहेगा, हालांकि ऐसा असर आगरा में कम देखने को मिला, लेकिन इतना जरूर है कि विरोध जरूर सामने आया। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम आगरा के आगरा से जो नोएडा के लिए लखनऊ एक्सप्रेस वे जाता है उस पर हम खड़े हैं। तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों से रूट डाइवर्ट किया गया किसान आंदोलन को लेकर, भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है एक्सप्रेस वे पर और शहर के अंदर भी भारी वाहनों का प्रवेश नहीं किया जा रहा है। इसके बाद से स्थिति यह है कि लगातार 5 किलोमीटर तक भारी वाहनों का जो जाम वो देखा जा सकता है। अभी हम एक्सप्रेस वे के ऊपर हैं और जो आगरा से नोएडा की तरफ जाने वाला है वाहन खड़े हैं और भारी वाहनों का यहाँ जत्था देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन सभी को डाइवर्ट करके एक्सप्रेस वे पर चला दिया गया है और लगातार आइए आप लाइन लंबी लाइन देखेंगे वो सभी ट्रकों की लाइन यहाँ पर है। नीचे ये जो कानपुर से लेकर आगरा का जो हाईवे है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 जिसे बोला जाता है उस पर भी लंबी लाइन आपको दिखाई देगी। तो तमाम तरह के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगह से जो ट्रक यहाँ पहुँचे थे उनको रोक दिया गया है डाइवर्ट के नाम पर और पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर ट्रक खड़े हैं और यही कहा जा रहा है कि जैसे ही सहूलियत मिलेगी, जैसे ही किसान आंदोलन शांत पड़ेगा उसके बाद ही इन ट्रकों की आवाजाही को शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ के जो ड्राइवर इन ट्रकों के ड्राइवर हैं उनका ये कहना है कि उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो कई दिनों से कई रातों से यहाँ पर रुके हुए हैं और अभी तक यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर कब यह किसान आंदोलन थमेगा और सरकार हमें जाने के लिए आगे जाने के लिए रास्ता देगी और ये ट्रक यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भारत बंद का ऐलान किया था, इसके बाद लगातार प्रशासन ने कई जगह पर जो आंदोलन कर रहे थे या पुलिस कर रहे थे फिलहाल अभी भी यह कार्यवाही लगातार जारी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।